इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोगनोसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग गार्लिक के बारे में जानेंगे। गार्लिक का बहुत वाइडली यूज होता है। गार्लिक को हम लहसुन के नाम से जानते हैं, जो हर घर में यूज होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लहसुन है जो हर घर में एक्सटेंसिवली यूज होता है। अब हम गार्लिक जो ड्रग हमें मिसलेनियस में पढ़ना है उसका साइनोनिम्स जानते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया गार्लिक को हम लहसुन के नाम से जानते हैं या फिर लहसुन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स हम गार्लिक का जानते हैं, ये जो है एक एक सिंगल सिंगल गार्लिक को बल्ब कहा जाता है। गार्लिक जो रहता है वो राइट बल्ब रहता है एलियम सटाइवम का। गार्लिक कंसिस्ट ऑफ राइप बल्ब ऑफ एलियम सटाइवम। फैमिली हम जाने तो फैमिली लिलियेसी से गार्लिक बिलोंग करता है। गार्लिक जो है जो इस तरह का ग्लोबुलर शेप का रहता है वो इस तरह के पीसेस से बना रहता है। इस पीसेस को हम क्लोव्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे क्लोव्स को मिलाकर एक गार्लिक रहता है। इस क्लोव्स के ऊपर भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये लीव्स रहता है और एक पूरा ऊपर से भी पैक रहता है लीव्स से क्लोव। ये जो सेंटर एक्सिस में है ये सूंड टाइप का रहता है। इसके चारों तरफ ये वेरियस रूट्स रहते हैं नीचे की तरफ। इसी पे क्लोव्स, ये सब क्लोव्स है जो स्मॉल पीसेस ऑफ गार्लिक है जिससे मिलकर एक गार्लिक बना रहता है। आप यहाँ पे भी लीव्स देख सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है ये लीव्स है। अब हम गार्लिक मीन्स दैट लहसुन का जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं। गार्लिक इंडिया में बहुत एक्सटेंसिव मात्रा में पाया जाता है। गार्लिक इज इंडिजेनस टू इंडिया। गार्लिक इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन यूरोप। अमेरिका। अब हम गार्लिक का कैरेक्टर जानते हैं। जो गार्लिक है वो सब ग्लोबुलर कंपाउंड बल्ब के तौर पे एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह का। ये बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस जो मैंने आपको पहले बताया कुछ इस तरह के पीसेस से बना रहता है। ये सब जो स्मॉल पीसेस हैं गार्लिक का इसको हम क्लोव्स के नाम से जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इसी से मिलकर ये गार्लिक पूरा बना रहता है। बहुत सारे मेनी क्लोव्स से मिलकर गार्लिक बना रहता है और जो इतने भी क्लोव्स मिलकर जो ये गार्लिक रहता है उसके ऊपर कवरिंग रहता है, ये व्हाइट पेपरी कवरिंग रहता है लिप्स का जिससे गार्लिक फुली अंदर में पैक रहता है। गार्लिक अकर्स एज सब ग्लोबुलर कंपाउंड बल्ब कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पीसेस नोन एज क्लोव्स। जितने भी क्लोव्स रहते हैं वो इस सेंट्रल एक्सिस बहुत ये हार्ड रहता है सूट टाइप का, मैंने आपको पहले बताया था, उसके साथ अटैच रहते हैं। ऑल क्लोव्स आर अटैच्ड टू अ हार्ड फ्लैट सेंट्रल एक्सिस टू विच रूट्स आर अटैच। ये जो रूट्स है ये सेंट्रल एक्सिस पे ही अटैच रहता है। वेरियस रूट्स आर अटैच। ये एक सिंगल क्लोव है। बहुत सारे क्लोव के कॉम्बिनेशन से गार्लिक बना रहता है। द होल बल्ब is enclosed in a white
सिल्की पेपरी इनवेलप। अब हम गार्लिक का ऑर्डर जाने, तो गार्लिक का ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक एलेसियस टाइप का रहता है, कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। एलेसियस जैसे ओनियन का स्मेल रहता है उस तरह का ही रहता है, बट इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। टेस्ट गार्लिक का बीटर एलेसियस रहता है, बीटर एलेसियस प्याज के तरह ही टेस्ट भी रहता है। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं गार्लिक का। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है गार्लिक का, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक वो है एलीन, और जो गार्लिक ड्रग का एक्टिव प्रिंसिपल है वो है एलिसिन, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ गार्लिक ये है एलिसिन। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है गार्लिक का एलीन, वही एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम एलिनेलेज के हेल्प से। जब हम गार्लिक को क्रश करते हैं तो जो गार्लिक में एंजाइम प्रेजेंट रहता है एनिलेज, वो एलीन को कन्वर्ट कर देता है एलिसिन में। एलीन इज कन्वर्टेड इनटू एलिसिन by an enzyme alinase which is present in the garlic itself. And is activated by crushing the garlic. जो एलीन है वो वाटर सोल्यूबल ऑर्डरलेस सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। एलीन इज वाटर सोल्यूबल ऑर्डरलेस सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस। अब हम एलिसिन के बारे में जाने। एलीन ही कन्वर्ट हो रहा है एलिसिन में, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया, बट फिर मैं बता देता हूं कि जो एलीन मेन कंस्टिट्यूएंट है गार्लिक का, वो एलिसिन में एंजाइम एलिनेलेज के हेल्प से कन्वर्ट होता है। एंजाइम एलिनेलेज गार्लिक में प्रेजेंट रहता है, और जब हम गार्लिक को क्रश करते हैं तो एंजाइम एलिनेलेज एक्टिवेट हो जाता है और एलीन को कन्वर्ट कर देता है एलिसिन में। एलिसिन जो है वो अल्कोहल ईथर और बेंजीन में मिसिबल है, मिसिबल इन अल्कोहल बेंजीन एंड ईथर। एलिसिन येलोइस लिक्विड होता है, येलोइस लिक्विड। जो गार्लिक का एलिसियस स्मेल रहता है वो एलिसिन के कारण ही रहता है। एलिसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेकुलियर टाइप ऑफ एलिसियस स्मेल ऑफ गार्लिक। गार्लिक में वोलाटाइल ऑयल, फैटी ऑयल्स और एल्बुमिन भी प्रेजेंट रहता है। गार्लिक ऑल्सो कंटेन्स फैटी ऑयल्स, वोलाटाइल ऑयल्स एंड एल्बुमिन। गार्लिक में ट्रेसेज ऑफ विटामिन सी और एमिनो एसिड भी प्रेजेंट रहता है।
ट्रेसेस ऑफ विटामिन सी एंड अमीनो एसिड. फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन is also present in garlic. अब हम यूजर जानते हैं गार्लिक का, तो गार्लिक को हम स्पाइस के तौर पे, कार्मिनेटिव के तौर पे और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज करते हैं. गार्लिक इज यूज्ड एज स्पाइस, कार्मिनेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट. गार्लिक को हम एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज करते हैं ब्रोंकियल डिजीज के ट्रीटमेंट में, टू ट्रीट ब्रोंकियल डिजीज. गार्लिक एंटीबैक्टीरियल के तौर पे एक्ट करता है. गार्लिक इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल. गार्लिक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इजिली लोअर करता है, इसलिए हम गार्लिक को हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस के मैनेजमेंट में यूज करते हैं. गार्लिक लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. So used in hypertension and atherosclerosis. एथरोस्क्लेरोसिस में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फर्दर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है. गार्लिक जो है वो लिपिड लोअरिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है. गार्लिक को हम वूपिंग कॉफ, ट्यूबरक्लोसिस और फीवर में भी यूज करते हैं. ऑल्सो यूज इन वूपिंग कॉफ ट्यूबरक्लोसिस एंड फीवर. फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं गार्लिक को, फ्लेवरिंग एजेंट. जर्मनी और भी कंट्रीज में जो हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट रहते हैं, जिनका लिपिड लेवल ज्यादा रहता है, वैसे पेशेंट गार्लिक को डाइट के कंपोनेंट के तौर पे यूज करते हैं. हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट uses garlic as the component of the diet. इस वीडियो में हम लोग गार्लिक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस ड्रग है उसके बारे में पूरा जान चुके हैं. होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए.